हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन सारी बॉय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, अभी सुबह का 8 बज रहा है और अभी जा रहे हैं नेहटी। नेहटी से ट्रेन पकड़ना सियालदह के लिए और काम में जा रहे हैं। बैग देख रहे हैं पीछे, काम में रोज आते जाते हैं ना, टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाते। तो अभी जा रहे थे टोटो पकड़ने के लिए। नेहटी में देखो टिकट काउंटर में कितना भीड़ है देखो, और ट्रेन का टाइम भी हो गया, तो क्या करें, ट्रेन धरे या टिकट ले। एक काम करते हैं, ट्रेन छोड़ते हैं, टिकट पहले लेते हैं। देखो कितना लाइन लगा। सो गाइस, अच्छा किया कि हम ट्रेन छोड़ के टिकट लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो टीटी खड़ा है ब्रिज पे। अच्छा किया कि टिकट ले लिए, देखो है ना, पकड़ रहा है यहाँ पे। चल जा रहे हैं, 10 बज गया, मतलब 8:20 में निकले हैं घर से और सियालदह पहुंच रहे हैं 10 बजे। और 10 बजे से यहां से फिर ट्रेन मिलेगा हमको पार्क सर्कस के लिए 10:12 में, वो भी 15 नंबर प्लेटफार्म से। तो अभी जा रहे हैं 15 नंबर प्लेटफार्म। और प्लेटफार्म देखो सुबह का टाइम, ऑफिस टाइम में देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है ऑफिस टाइम में। लास्ट में वही ट्रेन मिला हमको, पहले निकलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोज जो ट्रेन से जाते वही ट्रेन मिला आज भी। हम सोचे थे आज पहले जल्दी निकलेंगे तो दूसरा ट्रेन मिलेगा, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन वो काम मेरा हुआ नहीं। देखो 10:12 में जो ट्रेन है वही ट्रेन मिला जो हमेशा मिलता है, रोज मिलता है, कोई फायदा नहीं हुआ ट्रेन जल्दी आके। बस यही बात है ना, इसीलिए ना वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ, क्योंकि देखो रोज आना जाना, 2 घंटा आने में लगता है, 2 घंटा जाने में लगता है, तो 4 घंटा तो मेरा दिन का खत्म हो जाता है, फिर काम भी करना पड़ता है, तो फिर कहाँ से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि रोज निकलूँगा घर से तो ब्लॉग चालू करके निकलूँगा, और इधर से भी जाऊँगा तो ब्लॉग चालू करके ही जाऊँगा, कि कुछ वीडियो अपलोड करते रहूँगा। क्योंकि यूट्यूब में जो है मेरा सब्सक्राइबर जब था वो कम हो रहा धीरे धीरे, और मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा, क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्राइबर जमा करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल, एक एक को जुगाड़ा हूँ भाई इधर उधर करके। और अभी जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत दिल को बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मजबूरी भी है कि काम। यार ट्रेन 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 12 में है, 10:12 में है अभी। ये देखो लोकल लगा हुआ है, अभी इसमें जाएंगे पार्क सर्कस, फिर वहां से 15 मिनट लगेगा पैदल, चल के जाना पड़ता है वहां से पैदल। चलते चलते थक गए यार, बैठे हैं अभी 12 में छोड़ेगा ये ट्रेन है लोकल, अभी छोड़ेगा, 12 हो जाएगा ना छोड़ देगा इसको। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 10:09 हो रहा है, 12 में छोड़ेगा शायद। इसी ट्रेन से रोज जाते हैं, वही ट्रेन मिल गया आज भी। सिग्नल दे दिया, जल्दी उठो, कौन सा ट्रेन धरना है। तो गाइस पार्क सर्कस हम उतर हुए हैं, अभी यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा तो ब्रिज पे उठ के।
सो गाइस यहाँ से ब्रिज के ऊपर में यहाँ पे ऑटो मिलता है, लेकिन हम ऑटो नहीं लेते हैं, यहाँ से हम पैदल ही जाते हैं। यहाँ से पैदल 5 मिनट लगता है जाने में। तो इसीलिए यहाँ से हम पैदल ही जाते हैं। ये पार्क सर्कस ब्रिज है और यहाँ से हम मेरा कारखाना जो है जहाँ पे काम करने जाते हैं 5 मिनट लगता है जाने में, तो यहाँ से हम पैदल ही जाते हैं। तो ये है रास्ता और यहाँ से हम पैदल ही जाते हैं। देखो जो भी बोलो, रोज अप डाउन करने में मज़ा आ जाता है। रोज ट्रेन में धक्का खाओ, धक्का मुक्की, मज़ा आता है। और ये है मेन रोड और ऊपर में ब्रिज है और नीचे में देखो रहे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है इस रोड में। तो हमेशा देखोगे ट्रैफिक ही रहता है। किसी भी तरह करके पार करके अभी इस साइड आ गए हैं और यहाँ से अभी एक गली मिलेगा, गली में अंदर जाएंगे, यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा देना। पार्क सर्कस से 5 मिनट लगता है तो इसीलिए मैं ऑटो नहीं लेता हूँ। यहाँ से ऑटो भी जा सकते हैं लेकिन ऑटो नहीं लेते हैं, पैदल ही जाते हैं। पैदल जाने में थोड़ा मज़ा आता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है ना इसीलिए। तो गाइस ये था कारखाना, ये है मेरा कारखाना, यहाँ पे हम काम करते हैं। और इधर देखो तपस्या में जुम्मा का दिन में ईद के तरह लगता है और यहाँ पे देखो काफी ज्यादा भीड़ है जुम्मा का दिन। यार यहाँ पे खाली बिरयानी ही चलता है, जितना भी होटल में सब बिरयानी चल रहा है, कुछ मिले या ना मिले बिरयानी जरूर मिले।